हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सी बी एस ई अकेडमी प्लस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं हिंदी के पेपर के सिलेबस को लेकर, चूंकि इसमें काफ़ी चेंजेज आए थे, सीबीएसई ने काफ़ी चेंज किया था, तो डियर स्टूडेंट ये मैं बता देता हूँ जो लेटेस्ट सिलेबस के पैटर्न हैं, लेटेस्ट पैटर्न है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी टीचर्स भी कंफ्यूज हैं, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने भी समझें और ये दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चूँकि वो कन्फ्यूज में ना रहें। और ये सेक्शन वाइज हम बता देंगे कि किस सेक्शन से कितना नंबर आने वाला है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें लास्ट में ये ऐसा भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे मतलब मार्क्स को अच्छे से लाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो इसमें चार खंड आएंगे, सेक्शन चार है, क ख ग घ, ठीक है, ये चार होंगे और 80 मार्क्स का होगा और समय 3 घंटा है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। इसमें एक अंक के भी प्रश्न उत्तर होंगे, लगभग 15 से 20 शब्दों में देना है, मतलब 2 लाइन, और यहाँ भी लगभग 7-8 लाइन, ठीक है, और ये लगभग 10 लाइन, ओके। तो ये आपका फॉर्मेट चलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे, आप देखिए इसमें ये जो सेक्शन ए का आएगा, तो ये पहले जो है 15 मार्क्स आने वाला था, क्योंकि पठित अपठित मतलब जो गद्यांश पद्यांश था, मतलब अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आ रहे थे, लेकिन अब आप ध्यान देंगे केवल 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का, और आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, ये सेक्शन जो क है, इसमें बताए ना, क भी है, ख भी है, ग भी है और घ भी है, जिसमें पहला जो सेक्शन हो गया 10 मार्क्स का आएगा। इसका मैं पेपर अभी मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, इस पेपर का लिंक और इसका सोल्यूशन भी मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग जरूर सबके पास शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, चूँकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। डियर स्टूडेंट, ये 10 मार्क्स यहाँ से आएगा। अब उसके बाद जो है, ये 10 मार्क्स हमने जो बताया है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दो दो, ये कितना आएगा ऐसे करके, दो दो, देखिए 8 2 10, ये हो गया, ओके। अब जो ख आएगा व्यवहारिक, मैं सिलेबस पूरा पैटर्न बदल गया है, ठीक है, पूरा पैटर्न बदल गया है। दूसरा जो सेक्शन ख वाला आएगा, 16 मार्क्स का आएगा। डियर स्टूडेंट, जो दूसरा सेक्शन है, ये 16 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, निर्देशानुसार उत्तर लिखना है, व्यवहारिक व्याकरण आएंगे इसमें, जैसे देखिए संयुक्त वाक्य क्या है, इसमें सरल वाक्य है, इससे रिलेटेड आ गया, रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए, यहाँ से 4 नंबर आएगा, मतलब 16 मार्क्स आएगा। इसमें भी 4 सेक्शन है, देखिए एक आ गया, दूसरा देखिए निर्देशानुसार वाच्य भी आ रहा है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, और तीसरा जो है इसमें पाठ, देखिए इसमें आ गया, ये भी निर्देश के अनुसार आपको बदलना है। इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है, ज़्यादा बाहर से नहीं, देखिए ये सारे सिलेबस से हैं, वीर रस, रति, हास्य रस, ओके, ये सारा सिलेबस से डायरेक्ट आ रहे हैं, ओके, ये फॉर्मेट में है, तो मतलब ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है, इसमें जो पाठ पुस्तक है, पूरक पाठ पुस्तक, 34 नंबर का आने वाला है। डियर स्टूडेंट, 34 मार्क्स का आने वाला है, 34 मार्क्स आपको पता है ना, क्षितिज है और दूसरा जो है, आप अपना कमेंट करके बताइए कि दूसरा कौन सा है, मैं जानूँ कि आप लोगों को भी कुछ पता है कि नहीं पता है, आई होप कि आपको पता है, बट आप हमें भी बताइए कि इतनी जानकारी है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, क्षितिज हो गया, और दूसरा बताइएगा आप लोग, तो ये 34 मार्क्स का आने वाला है। इसमें आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए तो थोड़ा ये घुमाया है 6 मार्क्स का, बस ये पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, 6 मार्क्स अब देखिए अनसीन पैसेज में था तो वहाँ से हटा के यहाँ कर दिया है, ओके, तो आप यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए इसमें नाना साहब का ये जो है, वहाँ से शब्दों को उठाकर यहाँ से आंसर देना है। फिर देखिए इसमें जो नेक्स्ट आएगा, 34 नंबर में पहला तो 6 हो गया, फिर उसके बाद 8 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स में प्रश्न उत्तर का, प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 होंगे, दो नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे। अब उसके बाद जो आएगा काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, यहाँ भी देखिए जो पोयम होता है उससे रिलेटेड आएगा, ओके, पोयम जो है उससे रिलेटेड आएगा। तो यहाँ से अब इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, नीचे डाउनलोड कर लेंगे, पहले आप ये सुन देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है, ओके। अब इसमें भी 4 नंबर आएंगे, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9, तो किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देखिए ये है, ओके, तो यहाँ 9 क्वेश्चन नंबर 9 को आप हैंडल कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के, मतलब 34 मार्क्स आने वाले हैं इससे, ओके, तो यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ क ख ग, अब घ चौथा आ गया जो लेखन पे डिपेंड करता है, तो इसमें कितने मार्क्स का होगा डियर स्टूडेंट, इसमें 20 मार्क्स का होगा टोटल,
ठीक है। तो आपने देख लिया कि पहले 10 मार्क्स का है, उसके बाद 16 मार्क्स का है, उसके बाद 34 मार्क्स का है, उसके बाद सेक्शन 20 मार्क्स का है। तो डियर स्टूडेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस बार किया गया है, ये सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकअप किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं, ऐसे निबंध आएगा एक, आपको जो 200 से 250 शब्दों में लिखना है, ये हेडिंग भी डालकर आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना पॉइंट जरूर आपको लिखना है। हेडिंग पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको पैराग्राफ वाइज, एक एक पैराग्राफ, जैसे प्रस्तावना का जो पैराग्राफ है आप हेडिंग नहीं डालेंगे तभी चलेगा, लेकिन पैराग्राफ का जो है आपको, मतलब एक पैराग्राफ एक से रिलेटेड हो, दूसरा से दूसरा पैराग्राफ हो, ठीक है, उसमें गैप गैप थोड़ा हो। ओके अब यहाँ देख सकते हैं, तो अब यहाँ ये है लेटर का आपको। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये सीबीएसई ने पूरा स्पष्ट कर दिया है कि जैसे पाठ्यक्रम जो 1920 का दिए गए प्रश्न पत्र के प्रारूप और प्रतिदर्श प्रश्न में जो ये दिया गया है, अभी जो हमने बताया है, इसमें भिन्नता होने पर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2019-20 का ही माना जाएगा, मतलब जो अभी मैंने बताया यही माना जाएगा पैटर्न, ठीक है। और जैसे चेंजेज आ रहे हैं, कुछ प्रश्न दे दिए गए थे तो उसमें अलग अलग फॉर्मेट में बताया जा रहा है। ओके तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कि आपने जान लिया कि पहला जो आएगा 10 मार्क्स का आएगा, उसके बाद 16 मार्क्स का आएगा, व्यवहारिक ग्रामर है, व्यवहारिक व्याकरण है, जैसा अपठित आएगा, और इसमें आप देख सकते हैं 34 इसमें था जो आपके बुक से रिलेटेड आएंगे प्रश्न उत्तर, इसमें भी आएगा आपको अनसीन पैसेज जैसा भी एक आएगा, और इसका 20 नंबर, ये टोटल अगर आप मिलाएंगे टोटल कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। थैंक यू वेरी मच।